बच्चों के सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं, उन बच्चों के सपोर्ट में आए हैं जो बॉम्बेज की आवाज़ से उठते हैं और बॉम्बेज की आवाज़ में सो जाते हैं, कुछ नींद से जाग भी नहीं पाते। उन आवाज़ों को उठाने के लिए आज हम इज़राइल एम्बेसी पे आए हैं। के आम नागरिकों की कोई गलती नहीं है, बच्चों की क्या गलती है? आज हजारों बच्चों की ये अमानवीय, ये हैवानियत है, और बेंजामिन नेतन्याहू एक हैवान है, हैवान है। फिलिस्तीन के समर्थन में ही क्यों हैं आप लोग? क्योंकि क्या हो रहा है सबको दिख रहा है, और हमारी आवाजों को किस तरीके से दबाया जा रहा है। आप देख सकते हैं भारत की सरकार का दिल्ली पुलिस का क्या स्टैंड है। हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे स्टूडेंट्स, और इन लोगों ने देखिए आप बात भी नहीं रखने दी जाती, हमें सीधा पुलिस हमें उठा लिए जा रही है। फिलिस्तीन बिल्कुल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, जो लोग इसे एक धार्मिक लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वजूद की जो लड़ाई है वो फिलिस्तीन के लोगों की है, फिलिस्तीन के बच्चों की है। उन जहाँ देश जो है पैलेस्टाइन को एड भेज रहा है, सपोर्ट कर रहा है, दूसरी ही तरफ ये लोग जो है स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रहे इसराइल के खिलाफ। हम बस एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट फिलिस्तीन के जो लोग हैं, फिलिस्तीन के जो बच्चे हैं जिनकी जिंदगियों के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके सपोर्ट में आ जाए हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके जो से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कैसे उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दिल्ली की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से स्टूडेंट्स आज इकट्ठे होकर आए हैं। और जी क्या कहेंगे, ये जो वॉर चल रहा है फिलिस्तीन और इसराइल का जी, इसराइल ये कह के उन लोगों को मार रहा है कि वो आतंकियों को शरण दे रहा है फिलिस्तीन हमास को। देखिए पहले तो हम एक बात को क्लियर कर लें कि वॉर और ऑक्यूपेशन में फ़र्क होता है। वॉर दो तरफा होता है, ऑक्यूपेशन एक तरफा होता है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ जो हो रहा है उनकी ज़मीन को, उनके ज़िंदगियों को ऑक्यूपाई किया जा रहा है, और ना कि ये जंग नहीं है, ये सरासर जो है ऑक्यूपेशन है। कैसे देखिए, धार्मिक लड़ाई है या अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन? बिल्कुल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, जो लोग इसे एक धार्मिक लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली हम इससे उसको अलग नहीं कर सकते, बट वजूद की जो लड़ाई है वो फिलिस्तीन के लोगों की है, फिलिस्तीन के बच्चों की है, उन बच्चों की है जो बॉम्बिंग से उठनी उठते हैं और उन्हीं बॉम्बिंग्स की आवाज़ में सो जाते हैं। अमेरिका का क्या रोल है पूरे इस युद्ध? देखिए अमेरिका इस वक्त एक सुपर पावर की तरह एक्ट कर रहा है, ऐसे पावर की तरह एक्ट कर रहा है जो इन इंपीरियल पावर्स को, इन ऑक्यूपेशनल पावर्स को पूरे तरीके से बैक कर रहा है, और ये हमें समझ भी आता है, ये दिखता है हमें उनके पॉलिटिक्स में, उनकी राजनीति में, और यही दिखता है हमें भारत की जो गवर्नमेंट है उसकी राजनीति में भी। लेकिन जो जिस तरह से गाजा पर पाबंदी लगा दी उसको क्या कैसे देख सकते हैं लोग यहाँ से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये चाहता है हमारा, ये करना चाहता है स्टूडेंट्स देख रहे हो ये फिलिस्तीन के समर्थन में ही क्यों हैं आप लोग? क्योंकि क्या हो रहा है सबको दिख रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि आज फिलिस्तीन के बच्चों के सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं, उन बच्चों के सपोर्ट में आए हैं जो बॉम्बेज की आवाज़ से उठते हैं और बॉम्बेज की आवाज़ में सो जाते हैं, कुछ नींद से जाग भी नहीं पाते। उन आवाज़ों को उठाने के लिए आज हम इसराइल एम्बेसी पे आए हैं, और हमारी आवाज़ों को किस तरीके से दबाया जा रहा है आप देख सकते हैं भारत की सरकार का, दिल्ली पुलिस का क्या स्टैंड है। किसी भी व्यक्ति की जान जाने के खिलाफ़ हैं हम, अगर किसी एक भी व्यक्ति की जान जा रही है तो हमारी हमदर्दी उसके साथ है,
हम अगर किसी ने पहले अटैक किया है, किसी ने बाद में अटैक किया है, ये बातें बाद में आती हैं। पहले हमारे सामने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। जब आप उन रिकॉर्ड्स के ऊपर जाओगे, उस डाटा के ऊपर जाओगे, तो किस तरफ से कितने लोगों को मारा गया है, तो सब स्थिति सबके सामने आ जाती है। और हमारा सीधा सीधा साफ साफ यही कहना है कि ये सब रुकना चाहिए। और एक देश जो बाहर से बैठ करके दूसरे देशों को बता रहा है कि हम आपको बताएंगे किस तरीके से शांति स्थापित होगी, और उसके इस चक्कर में पूरा लोगों की जानें जा रही हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं वहाँ पे, इन सारी चीज़ों के खिलाफ हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सुपर पावर अमरीका है, जो शांति की तो बात करता है, एक तरफ हथियार भी दे रहा है इसराइल को, इसे कैसे देखें? देखिए, अमरीका सुपर पावर है, वो किस रूप में सुपर पावर है वो तो लोगों को तय करना पड़ेगा, दुनिया के लोगों को। अगर लोगों को अपने हथियार बेचने के लिए अगर आप दुनिया के अंदर हमेशा ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर झगड़े रहें, दुनिया के अंदर जो टेंशन है वो हमेशा बनी रहे, और उसका आधार ये है कि आप अपने हथियार बेचना चाहते हैं, तो हम ऐसी सुपर पावर को नहीं मानते हैं। ऐसी सुपर पावर किसी काम की नहीं है। भारत की एक रिपोर्टर थी, महिला रिपोर्टर, उन्हें फिलिस्तीन की महिला ने डांटा है एक तरह से कि तुम लोग हक की बात नहीं कर रहे हो। अगर उन्होंने डांटा है तो उनकी नाराजगी है इस बात को लेकर के कि अगर आप हम बाहर से बैठ कर किस किस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हो, यहाँ लोगों की जाने जा रही हैं और आपको अपना एजेंडा चलाने से मतलब है। हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे स्टूडेंट्स, और इन लोगों ने देखिए आप बात भी नहीं रखने दी जाती हमें, सीधा पुलिस हमें उठा लिए जाती। तो यहाँ पर जो लोग प्रदर्शनकारी इसमें आए थे इसराइल दूतावास पर, उन्हें यहाँ पर डिटेन किया गया है, ये आप देख रहे होंगे। फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, हमला बंद करो, बच्चों पे हमला बंद करो, मारना बंद करो। हमारे कई साथियों को जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उठा लिया, इसराइल एम्बेसी तक पहुँचने तक नहीं दिया, जहाँ देश जो है पैलेस्टाइन को एड भेज रहा है, सपोर्ट कर रहा है, दूसरी ही तरफ ये लोग जो है स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रहे इसराइल के खिलाफ। हम बस एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, वही मैं बोल रही हूँ, एक छोटे से प्रोटेस्ट के लिए जाकर हम सिंबॉलिकली वहाँ प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसके लिए सपोर्ट एक्सटेंड करना चाह रहे थे, उस छोटे से प्रोटेस्ट के लिए इनको इतनी दिक्कत हो रही है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है मैम, प्रोटेस्ट साइट तो जंतर मंतर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो हम जाकर अपनी आवाज को उठाए, जाकर हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जाके एग्जैक्टली जंतर मंतर पे भी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, और वहाँ पर भी जो है 150 स्टूडेंट्स, जो 150 सिविल सोसाइटी के लोग जो गए थे, वहाँ पर भी उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया था। जी हम बिल्कुल जाना चाहते हैं, और हम जाएंगे अभी मार्च करके प्रोटेस्ट साइट पर ही, अगर इनको हमें डिटेन करना है तो ये हमें डिटेन कर ले, ये इनके ऊपर है, लेकिन हम अपना अधिकार जो है यहाँ पर हम वो रखने के लिए आए हैं, और वो हम जरूर करेंगे। किसी भी देश का बिजली पानी रसद फ्यूल काट कर वहाँ बम बरसाना, ये 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 क्या दिखाता है? ये कायरता दिखाता है। और जब भी तानाशाह अपनी कायरतापूर्ण हरकतों को बचाता है, तब तब वो निहत्थे और मासूम लोगों की जान लेता है। हम इस दुनिया के लीडरों से कहना चाहेंगे, फ्रॉम लैंड टू सी, फ्री फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के आम नागरिकों की कोई गलती नहीं है, बच्चों की क्या गलती है? आज हजारों बच्चों की है, लगातार पानी, खाना, रसद सब काट कर बम बरसाया जा रहा है, ये क्या है? ये अमानवीय, ये हैवानियत है, और बेंजामिन नेतन्याहू एक हैवान है, हैवान है। ये देख ही सकते हैं आप लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से हमें जबरदस्ती में है। यहाँ पर मीडिया को कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है, ये देख रहे होंगे आप। ये लोग देश में अमन नहीं चाहते हैं, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई।